दही में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में घटिया सामग्री देने वाली चार फर्मों के खिलाफ शुक्रवार देर रात को पुलिस थाना दही में जनपद सीईओ कंचन डोंगरे ने एफआईआर दर्ज कराई है। दही में पिछले दिनों मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एन मौके पर घटिया सामग्री की वजह से निरस्त कर दिया गया था। इस पर जमकर बवाल मचा था। दही जनपद में 15 मार्च को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत होने वाले विवाह समारोह में 314 जोड़ों के विवाह निरस्त हुए थे, जिसका कारण विवाह में दी जाने वाली सामग्री घटिया थी, जिसको लेकर शुक्रवार देर रात को दही थाने में मामला दर्ज हुआ। दहेज में दी जाने वाली घटिया सामग्री सप्लाई करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत विवाह आयोजन में कन्यादान के रूप में दी जाने वाली सामग्री गुणवत्ता विहीन और घटिया पाए जाने के बाद जहां इस विवाह समारोह को निरस्त कर दिया गया था, वहीं आयोजन को लेकर जमकर बवाल भी मचा था। क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र सिंह बघेल द्वारा अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। वहीं मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखकर शिकायत की थी, जिसके बाद आनन फानन में अधिकारियों द्वारा सामग्री की जांच की गई व संबंधितों के खिलाफ कार्यवाही करने को कहा था। दही से शाहरुख बलोच की रिपोर्ट। वरिष्ठ कार्यालय में दी थी, उसके बाद आज मेरे द्वारा जो भी टेंडर हुए थे जिनके भी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है थाना दही में। जी मैम, उन फर्मों के नाम जान सकता हूँ मैं? जी, आर सेल्स एंड सप्लायर्स, गांधी चौक कोर्ट रोड शिवपुरी, फर्म अंबिका ट्रेडर्स बाकानेर, अनुमाला इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन रतलाम और विपुल कार्प इंदौर। सीईओ जनपद मैडम थाने पर आए थे, उनके द्वारा आवेदन पत्र दिया गया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में जो ई टेंडर के माध्यम से फर्म को सामग्री दी जानी थी, तो फर्मों द्वारा निम्न स्तर की सामग्री दी गई और धोखाधड़ी की गई शासन से, जिसके कारण कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। तो ये तीन फर्में थी, एक अंबिका ट्रेडर्स बाकानेर के नवीन पाटीदार, आरएम सेल्स की वर्षा गोयल जो शिवपुरी की है, और एक अनुमालो इंफ्रास्ट्रक्चर रतलाम के आशीष चोपड़ा, इनके द्वारा निम्न स्तर की सामग्री दी गई थी। तो सीओ जनपद द्वारा जांच दल गठित किया गया था और जांच दल द्वारा जांच प्रतिवेदन दिया गया था। आवेदन पर से तीनों के विरुद्ध 420 और 34 भादवी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। एक अन्य फर्म थी विपुल कार्प, जिसके प्रोप्राइटर विपुल जैन इंदौर के है, इनको भी ई टेंडर के माध्यम से सामग्री उपलब्ध कराने हेतु चयन किया गया था। उक्त फर्म द्वारा निर्धारित समय पर सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके कारण से कार्यक्रम पर स्थगित करना पड़ा। इस प्रकार इनके विरुद्ध भी 420 भादवी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।